उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी आए दिन पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। वरुण गांधी ने पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित किया और एक किस्सा सुनाते हुए कहा, हमारे संसद का रास्ता आपने शुरू किया, उसके बाद में पूरा उत्तर प्रदेश घूमा। मैंने एक दिन ये देखा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ, आप जानते हो मैं लेख लिखता रहता हूँ, अखबारों में आपने पढ़े होंगे। मैंने एक दिन सोचा कि वो कौन से आर्थिक मानक हैं जिसके अंतर्गत यदि एक किसान आ जाए या एक आम आदमी आ जाए, संपत्ति और कर्ज का रिश्ता अन्य शून्य, कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मान्यवर इसमें कोई राजनीति नहीं है। वरुण गांधी ने कहा, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिले भर में इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करिए, ये कुछ करना चाहते हैं। और हमने करीबन 42,000 लोगों की सूची पाई। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये इतना बड़ा काम मैं अकेले तो शायद कर ना पाऊँ, क्योंकि काम था कर्ज मुक्ति का उनका। तो मैंने कहा फिर ये काम कैसे हम लोग कर सकते हैं। हमने शुरुआत बिजनौर ज़िले से की, हम मुरादाबाद गए, फिर अलीगढ़ गए, फिर आगरा गए, हाथरस गए, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते गोरखपुर पार चले करते गए। और हमने वहाँ के जो रईस लोग हैं उनसे प्रार्थना की कि आप लोग आगे आए। पीलीभीत के सांसद ने आगे कहा, हमने शुरुआत बिजनौर जिले से की,